टेंथ स्टैंडर्ड 94%, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड 92%। टेंथ स्टैंडर्ड के अंदर मैं एक बैक बेंचर था और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर मैंने एक भी दिन कॉलेज अटेंड नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद लगभग मैंने दोनों साल टॉप किया। अब आप पूछेंगे कैसे किया, बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत मेहनत करी होगी, डिस्ट्रैक्शंस को साइड में करके घंटों घंटों पढ़ाई करी होगी। मैं कहता हूं घंटा, टेंथ और ट्वेल्थ आपका प्राइम टाइम होता है, बहुत मजे करो पढ़ाई, बस सही टेक्निक से कर लो ना तो आप आराम से स्कोर करोगे। और सही टेक्निक मैं आपको बताता हूं, बोर्ड एग्जामिनेशंस इज नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, हाउ हार्ड यू स्टडी, इट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्टडी। रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साइंस कहती है जब आप एक घंटा पढ़ते हो ना, एक घंटे बाद आप 50% चीजें भूल जाते हो, एक दिन के अंदर 70% और एक हफ्ते के अंदर 90%। अब जब आप 90% चीजें भूल जाने वाले हो तो इतनी मेहनत से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब पहली बार पढ़ रहे हो ना, ओवरव्यू ले लो, ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज का क्या मतलब है, कौन सी चीज कहाँ लिखी गई है, उसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जब एक बार आपका पूरा पोर्शन इस तरीके से हो जाए, उसके बाद सेकंड रिविजन के अंदर ना डिटेल में घुसो, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही स्किप करो, उसके साथ दिमाग थोड़े ही मत, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑप्शन आएगा। ऐसे जैसे जैसे आपका रिविजन बढ़ता जाएगा ना, उतना ही आप डिटेल में घुसो, उस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और नॉलेज।